दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर केंद्र सरकार को लेकर है, जहां केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन आज केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक करेंगे और इस दौरान आयुष क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श में भाग लेने के लिए सभी राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। और सुबह की अगली खबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ओडिशा के ढेंकनाल जिले के कामाख्या नगर में हजारों करोड़ की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और पारादीप बंदरगाह में 431 करोड़ रुपए की लागत वाली बंदरगाह परियोजना सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और सुबह की अगली खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर आ रही है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में विशेष अलंकरण समारोह में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्रदान करेंगे, जिसके लिए देश भर के 11 जाने माने कलाकारों को चुना गया था। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सपा बसपा और कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही राज्यपाल पर कागज के गोले फेंके। इस बीच सपा के एक विधायक बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा रैली की इजाजत नहीं देने के बावजूद बंगाल के पुरुलिया में रैली करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेस्ट बंगाल सरकार को अराजक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मैं बंगाल की जनता का आभारी हूं। उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। और सुबह की अगली खबर अलका लांबा को लेकर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा और पार्टी के बीच चल रहे नोकझोंक के बीच अलका लांबा ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ऐसी कई वजह हैं जिसके कारण उन्हें आपसे अलग हो जाना चाहिए। और सुबह की अगली खबर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत सकारात्मक स्थान बनकर उभरा है और हमारी सरकार मजबूत अर्थव्यवस्था और सहयोगपूर्ण नीतिगत वातावरण के साथ समावेशी संपूर्ण और सतत उच्च आर्थिक वृद्धि के प्रति संकल्पबद्ध है। और सुबह की अगली खबर केंद्र सरकार को लेकर आ रही है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने देशद्रोह के कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं सरकार के पास विचाराधीन है और आपराधिक कानून में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। और सुबह की अगली खबर गृह मंत्रालय से आ रही है, जहां सीबीआई और बंगाल पुलिस में छिड़े विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल प्रशासन को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और सुबह की अगली खबर शिल्पा शिंदे को लेकर आ रही है, जहां टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने कांग्रेस का दामन थामते हुए कहा कि पार्टी ने जिस तरह से स्वागत किया वो मेरे लिए खुशी की बात है और मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। और सुबह की अगली खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए जम्मू के पुंछ बॉर्डर से सटे जलास गांव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागा, हालांकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री दिलीप सेठ महोबा जिले के सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हालहा चौक पर पहुंचे और अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठे। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता दिनेश सिंह सोमवंशी बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी विकासखंड मोहम्मदी क्षेत्र के अंतर्गत उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में एनुअल फंक्शन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां स्कूली बच्चों ने गीत, नृत्य एवं कविता के माध्यम से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी द्वारा 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते अतिक्रमण रूपी दानव ने नगर को अपने चपेट में ले रखा है, जिससे मुख्य मार्गों पर राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है।
और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। हमारे संवाददाता सत्येंद्र शर्मा बता रहे हैं कि मैनपुरी में चल रहे शहीद मेले में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सभी पत्रकार बंधुओं ने मां सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और सुबह की अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एमपी में कमलनाथ सरकार के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि शिवराज के चुप रहने के कारण बीजेपी सरकार में घोटाले हुए और चूंकि इसमें आरएसएस का हाथ था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और सुबह की अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेंगलुरु में फाइटर जेट मिराज दुर्घटना में शहीद हुए स्क्वाड लीडर सिद्धार्थ नेगी के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। और सुबह की अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 60 लाख गरीब परिवारों को एक रुपये, गरीबी रेखा से ऊपर के 5 लाख परिवारों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल शासकीय राशन दुकान के जरिए देने का फैसला किया है। और सुबह की अगली खबर झारखंड के पलामू से। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि झारखंड के पलामू में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि देश के चौकीदार सोते रहे और विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग पैसे लेकर भाग गए। अमेरिका में वीजा फ्रॉड में फंसे 129 भारतीय छात्रों को लेकर एक रिपोर्ट के हवाले से यह खबर आई है कि अब इन छात्रों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा, जिससे वो दोबारा अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे। कारगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी परवेज राशिद ने दावा किया कि कारगिल युद्ध के मास्टरमाइंड पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे और उन्हीं के वजह से कश्मीर मसले का हल नहीं हो पाया था। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का समर्थन करने को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चोरों का तंत्र देश की सत्ता पर काबिज होने का इच्छुक है। सीबीआई वाले मुद्दे पर हद से ज्यादा प्रतिक्रिया देकर नए सामाजिक मुद्दे को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी ने सभी को कुछ इस तरह से मैनेज कर रखा है कि उनके खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। बीते बुधवार को दुबई में गिरफ्तार कर भारत लाए गए कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार ने खुद को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रत्यर्पण करने नहीं बल्कि किडनैप कर भारत लाया गया है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया कि बंगाल में सीबीआई अधिकारियों से बदसलूकी हुई, राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ की रैली रोकने का भी काम कर रही है, लेकिन दीदी चाहे जितना जोर लगा ले, बंगाल की जनता बीजेपी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। बीजेपी और शिवसेना के तल्ख होते रिश्ते के बीच आज एनडीए गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मातेश्वरी जाकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, जिसको लेकर कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और बंगाल में जो हो रहा है ये सीबीआई बनाम बंगाल पुलिस का नहीं बल्कि बीजेपी बनाम टीएमसी का है। एनआरसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए गृह मंत्रालय से कहा कि वह एनआरसी मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, जबकि इससे पहले पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी स्थिति में असम एनआरसी के फाइनल प्रकाशन 31 जुलाई की समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता सरकार के बीच छिड़े सियासी घमासान के मद्देनजर ममता सरकार ने भाजपा को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है और केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पश्चिम बंगाल में रैली के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे को एमपी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को चुनाव में काफी फायदा मिलेगा।
हरियाणा में बसपा और इनेलो गठबंधन के बीच इनेलो में मचे आंतरिक घमासान पर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए इशारा किया कि बसपा इनेलो गठबंधन से उनकी पार्टी के मूवमेंट पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए चौटाला परिवार का आंतरिक घमासान समाप्त होने पर ही हम गठबंधन में रहेंगे। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के दौरान की गई कर्ज माफी में अनियमितताएं सामने आने के बाद अब गहलोत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि वह योजनाओं का लाभ उठाने वाले अपात्रों से लाभ की राशि वापस लेगी और इस संबंध में पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं में सुधार करेगी। सीबीआई और केंद्र सरकार से सीधा मोर्चा ले रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिम्मेदाराना बर्ताव करने की सलाह देते हुए कहा कि ममता बनर्जी अनुभवी राजनेता हैं और उन्हें वह गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनाम सीबीआई मुद्दे को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस बीच सरकार की दलील पर सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भाजपा में थोड़ी हिम्मत रखने वाला नेता बताने पर गडकरी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि हिम्मत के लिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सीबीआई से ममता सरकार के टकराव के बीच कांग्रेस डबल गेम खेल रही है। जी हां, मीडिया में आई खबरों की माने तो एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता का समर्थन किया है तो दूसरी ओर कांग्रेस की ही बंगाल इकाई 6 फरवरी को चिटफंड घोटाले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी स्वदेश लौट आई है और आते ही उन्होंने एक्शन लेते हुए राहुल गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश की रणनीति को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि महासचिव के तौर पर प्रियंका की भूमिका सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगी, वह राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को पेंशन देने की घोषणा के बाद नेशनल किसान कांग्रेस के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर राजू मानी की अगुवाई में कांग्रेस ने केंद्र को 17 यूपीए के चेक लौटाते हुए पहले किसानों के कर्ज माफी की मांग की है। छोटे किसानों को नगद समर्थन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दिए जाने वाले 6000 रुपए की पहली किस्त यानी कि 2000 रुपए के लिए अब किसानों को आधार नंबर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि केंद्र ने इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। देश में नौकरियों को लेकर मचे घमासान के बीच देश की 4 टॉप आईटी सर्विसेज कंपनी यानी कि TCS, विप्रो, इंफोसिस और HCL के डाटा के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि इन कंपनियों ने दिसंबर 2018 तक मात्र 9 महीने में 70,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी, जो कि 2017-18 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के हितों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसानों को सालाना 6000 रुपए के न्यूनतम सहायता राशि को भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पुरुलिया के एसपी ने योगी को रैली के लिए इजाजत देने से इनकार करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। बावजूद इसके योगी पुरुलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। घोटालों की मार से उभरे सार्वजनिक क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.12% बढ़कर 246.51 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष इसकी अवधि में बैंक को 230.11 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। कैंसर को लेकर किए गए एक स्टडी के जरिए शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि मोटापे से जुड़ा कैंसर रिस्क हाल के सालों में करीब 40% बढ़ गया है और अधिक मोटापा होने से 13 तरह की कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के 251 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार NVA की ऑफिशियल वेबसाइट www.navoday.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय तीरंदाज संघ के नए संविधान के तहत चुनाव कराने के बावजूद खेल मंत्रालय की वार्षिक नवीनीकरण के बाद जारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे तीरंदाजों के भविष्य पर तलवार लटकने लगी है।
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या 11 फरवरी को दूसरी बार शादी करने जा रही है। वो बिजनेसमैन वसिंगन बगामुंडी से चेन्नई में ग्रैंड वेडिंग करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने अपनी पुरानी शादी को 2017 में तोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के काथीखेड़ा गांव की महिलाओं के ऊपर बनी फिल्म डॉक्यूमेंट्री हाल ही में ऑस्कर की शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामांकित हुई है, जो कि सामाजिक उद्यमी और पैडमैन के नाम से मशहूर अरुणाचलम गुरुगंथम द्वारा बनाई गई लो कास्ट मशीन पर आधारित है। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।